जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो कि ये यह वीडियो आप लोगों की डिमांड के ऊपर होने वाली है। आप लोग पूछ रहे थे कि एलपीजी गैस से किट के बारे में आप बताएं फुल डिटेल में, तो मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे जो आपको ये सामान जो दिख रहा है ये फुल एलपीजी किट का सामान है। और आपको बता दूँ कि इस एलपीजी किट में क्या क्या सामान आता है। तो आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि 3 kg का एक टैंक है, तो ये टैंक आता है, और इसके साथ में जो वेपोराइजर है ये आता है, और ये लो प्रेशर रेगुलेटर है, और ये दोनों हाई प्रेशर रेगुलेटर हैं जो गैस डालने के काम आते हैं, जिससे आप अपने इसमें गैस को रिफिल कर सकते हैं। और आपको बता दें इसके साथ साथ में 2 केबल और आई थी जो अपनी जो वैक्यूम और गैस के लिए आती थी, तो वो मेरी बाइक में लगी हुई, उसे मैंने निकाल के नहीं दिखाया है। मैं जो चीज़ें ऐसे ही इन्हीं को दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको मैं अब एक एक करके आपको इनके बारे में बता दूँ कि क्या क्या काम रहता है। तो पहले आपको यहाँ से टैंक के बारे में बता दूं कि टैंक में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 बाल लगे हुए हैं, एक ये बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो इनका क्या काम रहता है, ये बड़ा वाला बाल रहता है, तो ये आपका यहाँ पे जो रेगुलेटर है ऐसे आप यहाँ पे माउंट करेंगे, ऐसे इसके लिए रहता है गैस के लिए। और दूसरा वाला जो आपको यहाँ पे बाल दिख रहा है, जैसे अपन इसमें गैस रिफिल करते हैं, जैसे आपने इस वाले रेगुलेटर को यहाँ पे लगा दिया, इस वाले को और बड़े टैंक में लगा दिया, तो उसके बाद जो गैस अपन रिफिल करते हैं तो उसके बाद गैस निकालने के लिए काम आता है। जैसे आप ऐसे ही यहाँ से खोलेंगे तो आप यहाँ पर आवाज़ सुन पा रहे हैं कि गैस निकल रही है, तो ये इसके काम आता है। तो मैं इसे टैंक को साइड में रख देता हूँ, फिर इसके बारे में आपको यहाँ पर और जानकारी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसा आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि ये हाई प्रेशर रेगुलेटर है। ये हाई प्रेशर रेगुलेटर तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये गैस डालने के काम आता है, जो इसमें गैस को रिफिल करते हैं उसके लिए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हाई प्रेशर रेगुलेटर है उसे यहाँ पे लगा देते हैं, इससे जगह पे इसे लगा लें, तो ये वाले हाई प्रेशर रेगुलेटर को इस जगह पे नहीं लगाएं। अगर आप इसको यहाँ पे लगाएंगे तो आपका जो वेपोराइजर है ये ख़राब हो सकता है, और ये ख़राब होने के चांस हो जाते हैं, आपका रेगुलेटर ये भी ख़राब हो जाएगा। तो आप जो हाई प्रेशर रेगुलेटर है तो उसे गैस डालने के काम में लगाएं। क्या है कि कुछ क्या करते हैं, कहते हैं इस रेगुलेटर इसका ये इतना छोटा है और ये इतना बड़ा है, तो ये छोटे के चक्कर में इसे यहाँ पे जो आप यहाँ पे टैंक देख रहे हैं यहाँ पे लगा देते हैं कि इससे स्पेस कम बचे। तो ऐसे ही अपन को गलती नहीं करना है, जो यहाँ पे लगता है ये लो प्रेशर रेगुलेटर है इसको ही इस टैंक में लगाना है, ठीक है। तो अब मैंने 2 चीज़ के बारे में आपको बता दी। अब तीसरी चीज़ आपको बता दूं कि ये तो आप जानते हो कि अब आपका जो लो प्रेशर रेगुलेटर है, तो ये आपका गैस जो वेपोराइजर उसके अंदर गैस जाने जाने के लिए इसे लगाया जाता, सप्लाई करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये वेपोराइजर मेन चीज़ आपकी जो मेन रहता है वो यहीं से यही सब कोई काम करता है। अगर आपका ये नहीं रहेगा तो आपका गैस का जो मेंटेन है वो सही तरीके से नहीं हो पाए, कहीं तो गैस ज़्यादा जाएगी कहीं कम जाएगी, और गैस बंद होने का कोई चांस वो नहीं रहेगा, आपकी गैस हमेशा चालू रहेगी और उसमें फ्लो होती रहेगी। तो वैसे कन्वर्सन करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए इसका जो वेपोराइजर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अब देश में मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ जानकारी बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे जो बटरफ्लाई लगी हुई है, तो ये जैसे ही आप इस रेगुलेटर से इसमें गैस अंदर जाती है तो ये इस बटरफ्लाई के थ्रू बाहर की तरफ निकलती है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक इसमें नट लगा हुआ है, इसे आप जैसे ही खोलोगे तो इसके अंदर भी आपको एक नट दिखाई देगा। तो इसका ये नट है इसका क्या काम रहता है, अगर आपको इसे राइट में घुमाएंगे अगर अंदर की तरफ तो इसकी जो गैस है वो कम होगी, अगर बाहर की तरफ घुमाएंगे तो इसमें जो गैस है वो ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा गैस इधर से निकलेगी। तो इसका काम ये इसी के काम के लिए होता है, और कम ज़्यादा करने के लिए गैस के लिए। तो इसे ढक्कन को मैं लगा देता हूँ इसमें, अब दोस्तों जैसा कि आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं ये वैक्यूम वाली पाइप है, और ये कभी यहाँ पे भी रहती है और साइड में यहाँ पे भी इसे निकाल दिया जाता है कि किसी किसी वेपोराइजर में। मेरे पास सिर्फ ये मैजिक का वेपोराइजर, तो मैं इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। वैसे सभी सभी जो वेपोराइजर होते हैं उन सभी में एक जैसी सेटिंग रहती है, कोई अलग से नहीं है।
तो जो वैक्यूम है इसका काम क्या रहता है कि जैसे इसके ये वाला पाइप है जो अपने बाइक के अंदर जाता है, नीचे वैक्यूम में लगाया जाता है, तो इसका क्या काम रहता है, अगर ये हवा को अंदर की तरफ खींचेगा, जैसे हवा को ये अंदर की तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे ये यहाँ पे एक स्प्रिंग टाइप की लगी हुई है, तो ये अंदर की तरफ प्रेस हो जाएगी, और ये हवा बाहर की तरफ खींचेगा तो ये अंदर की तरफ प्रेस होगी, तो आपकी जो गैस है वो बाहर की तरफ गैस निकलेगी। अगर ये वैक्यूम बंद रहेगा या से हवा नहीं जाएगी, ऐसा अपनी बाइक बंद रहती है, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी रहती है जो ऊपर की तरफ रहती है, ऊपर उठी हुई, तो जो गैस है वो गैस नहीं निकलती। जैसे ही आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो कि अगर मैं इस रेगुलेटर को यहाँ पे लगा दूंगा, तो आपकी जो गैस है वो यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, आप यहाँ पे जो टैंक देख पा रहे हैं, ऐसे मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। अगर हम जैसे यहाँ से गैस निकलती है, अगर हम इसे ऐसे चालू कर देंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि ये गैस है यहाँ से नहीं निकलेगी, और जैसे ही ये यहाँ से वैक्यूम ये हवा को खींचेगा, तो आपकी जो गैस है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। इसका ये वैक्यूम का यही काम रहता है। अगर आप ये वैक्यूम वाली पाइप को नहीं लगाएंगे, तो आपकी जो गैस है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो वैक्यूम वाला जो पाइप है इसका क्या काम रहता है, तो इसी का यही काम रहता है कि अगर हवा को खींचेगा तो हवा इसके थ्रू जो गैस है वो बाहर निकलेगी। बस इसका यही, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो रेगुलेटर चालू है, अभी यहाँ से इधर से गैस नहीं निकल रही। जैसे ही आप यहाँ पे जैसे यहाँ प्रेस करोगे, तो आपकी देखो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जैसे मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ से गैस निकलना स्टार्ट हो रही है। तो इसी का यही है, जैसे ही हवा खींचेगा तो ये अंदर प्रेस होगा और गैस निकलेगी। तो ये नहीं सोचा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अपन जो रेगुलेटर को अपन लगा देंगे तो क्या गैस अपन को बंद करनी पड़ती है या नहीं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको गैस को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी जो यहाँ पे जो गैस है इसी तरीके से निकलेगी नहीं। तो मैं इसे यहाँ से बंद करके यहाँ से निकाल देता हूँ, तो मैंने इसे यहाँ से निकाल दिया। अब उसके बाद जो यहाँ पे एक स्क्रू और लगा हुआ है, इसे आइडल स्क्रू बोलते हैं। तो अगर इसे अपन टाइट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो बिल्कुल लूज हो रहा है, अगर इसे अगर टाइट ज़्यादा कर देंगे तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। ये अपनी क्या है सेटिंग के लिए रहता है कि अपन को किस तरीके से अपनी बाइक है वो किस तरीके से हवा को खींच रही है, और उसके लिए बस ये रहता है। तो आपको, मुझे पता है कि आपको इसके बारे में जो जानकारी मैंने दी है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी जानकारी अगर नहीं समझ में आती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है। वैसे मैंने हालांकि आपको सब चीज़ के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं जो बाइक से रिलेटेड जो भी जानकारी है, मैं पूरी जानकारी आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। आप अगर कमेंट करेंगे या आप पूछेंगे कि आपको कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो उसी चीज़ के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।